अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जुगाड़ू किचन। तो आज हम बनाएंगे कच्चे आलू का लच्छा पकोड़ा। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है। तो मैंने देखिए 3 आलू लिए हैं और इसे छील लिया है मैंने और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम एक बड़े दांत वाला कद्दूकस इस तरह का लेंगे, ये सबके घर में आसानी से अवेलेबल रहता है। तो अब हम इसे प्लेट में रखेंगे और इस तरह के आलू लेंगे लंबा साइज़ का और इसे लंबे शेप में इस तरह हल्के हाथ से ग्रेस कर लेंगे। इससे हमारे आलू के स्लाइस पतले पतले और लंबे पड़ेंगे। तो देखिए किस तरह के स्लाइस निकले हैं, कितने पतले हैं और लंबे शेप में हैं। तो देखिए इस तरह मैंने सभी आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है और इसे मैंने पानी में डालकर रखा है। पानी में आलू डालकर रखने से ये इसका कलर नहीं चेंज होता, ये वाइट कलर का ही रहता है। तो इस तरह हम इसे अच्छे से निचोड़ लेंगे, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। इस तरह हम निचोड़ कर इसे एक साइड रख देंगे। तो आलू को 2 से 3 बार वॉश करना है। तो मैंने पहले वॉश कर लिया है, ये लास्ट टाइम है 3री बार। तो मैंने अच्छे से वॉश करके आलू का पानी निचोड़ लिया है। तो देखिए इस तरह खिले खिले कितना आलू लग रहा है। इसमें अब हम 4 चम्मच भर कर बेसन का आटा डालेंगे। ये रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत कम समय में बनकर रेडी हो जाती है। तो इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं, और अगर चावल का आटा आपके घर में ना हो तो आप मिक्सी में भी चावल पीस कर बना सकते हैं चावल का आटा। तो इसके बाद मैंने यहाँ 1 चम्मच नमक डाला है स्वाद अनुसार। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच हरा धनिया, थोड़ा सा अदरक लहसुन और हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया है। तो 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे। आप चाहो तो हरी मिर्च को कट कर कर डाल सकते हैं और हरा धनिया भी कट कर कर डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें हल्दी वगैरह कुछ नहीं डाला है, लाल मिर्च भी नहीं डाली है क्योंकि ये इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो देखिए मैंने बिना पानी डाले इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। जो आलू की नमी रहती है उसी में मैंने अच्छे से बेसन को और सभी मसालों को, चावल के आटे को, कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर लिया है। तो देखिए मैंने यहाँ एक साइड कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था हाई फ्लेम पर। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो देखिए हम इस तरह छोटा पोर्शन लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, और इस तरह से हल्के हाथ से थोड़ा प्रेस करना है और तेल में छोड़ना है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं इसका साइज़ छोटा या बड़ा, लेकिन बहुत बड़े मत बनाइए, नहीं तो अंदर से पकने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। और इसे हम हाई फ्लेम पर पका लेंगे इसका कलर चेंज होने तक। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर आप नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। तो अब हम इसे थोड़ा हिला लेंगे, तुरंत नहीं हिलाना है, डालने पर थोड़ी देर से हिलाना है करछी से थोड़ा। तो हाई फ्लेम पर 2 मिनट हमने एक साइड से इसे पका लिया है। अब हम दूसरी साइड से भी इसका कलर चेंज होने तक, गोल्डन ब्राउन आने तक इसे दूसरी साइड से भी हाई फ्लेम पर पका लेंगे। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, बहुत ही आसान इजी है। तो देखिए मैंने पकौड़ों को फ्राई कर लिया है। तो देखिए कितने क्रिस्पी लग रहे हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए।